दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस समय उड़ीसा राज्य में कुल 30 जिले हैं, लेकिन क्या आप इन सभी 30 जिलों के नाम जानते हैं? इन 30 जिलों की वर्तमान जनसंख्या जानते हैं? इन सभी जिलों के प्रशासनिक मुख्यालय किस शहर में स्थित है, क्या ये जानते हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहे। हम इस वीडियो में आपको उड़ीसा राज्य से जुड़ी ये सारी जानकारियाँ देने वाले हैं। वही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी सभी नई वीडियोस आप तक जरूर पहुंचे। ओडिशा का पहला और जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला है गंजम जिला, जिसका प्रशासनिक मुख्यालय छत्रपुर शहर में स्थित है। गंजम जिला ओडिशा की सबसे पुरानी प्रशासनिक इकाइयों में से एक है। ब्रिटिश शासन के दौरान यह मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, जिसके अंतर्गत वर्तमान में कुल 39,60,000 की जनसंख्या निवास करती है। कटक जिला इस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जिला है, जिसके अंतर्गत वर्तमान में कुल 29,45,000 की आबादी निवास करती है। ओडिशा के सबसे प्राचीन जिलों में से कटक, जिसे सिल्वर सिटी के नाम से भी जाना जाता है, इसका इतिहास 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। करीब 9 शताब्दियों तक कटक ओडिशा की राजधानी रहा और आज यहाँ की व्यावसायिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। मयूरभंज जिला ओडिशा का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। वही क्षेत्रफल के मामले में यह ओडिशा का सबसे बड़ा जिला है, जिसका कुल क्षेत्रफल 10,418 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। मयूरभंज जिले का प्रशासनिक मुख्यालय बारीपदा शहर में स्थित है। वही इस जिले की वर्तमान जनसंख्या 28,28,000 है। बालासोर जिला राज्य का चौथा सबसे बड़ा जिला है। भारत में मिसाइल सिटी के नाम से मशहूर बालासोर, जो राज्य का एक बेहद ही महत्वपूर्ण जिला है। अगर आप बालासोर का एक डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बालासोर शहर एवं जिले के वीडियो का लिंक हम दे रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उसे भी जरूर देखिएगा। वैसे बालासोर जिले के अंतर्गत वर्तमान में कुल 26,04,000 की जनसंख्या निवास करती है। ओडिशा का खोर्धा जिला इस लिस्ट में पांचवें पायदान पर आता है। ओडिशा का सबसे अधिक शहरीकृत जिला खोर्धा, जिसके अंतर्गत राज्य की राजधानी भुवनेश्वर भी आती है। खोर्धा जिला, जो अपने पीतल के बर्तनों, कुटीर उद्योगों, रेलवे कोच निर्माण, केबल तार निर्माण, कोका कोला और पेप्सी बॉटल निर्माण, यूनिलीवर और ITC जैसे विभिन्न उद्योगों के लिए जाना जाता है, वही इस जिले के अंतर्गत वर्तमान में कुल 25,27,000 की जनसंख्या निवास करती है। सुंदरगढ़ जिला ओडिशा का छठवां सबसे बड़ा जिला है। राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित यह जिला, जो इस्पात, उर्वरक, सीमेंट, फेरोवेनेडियम, मशीन निर्माण, कांच, चीनी मिट्टी के पौधे और कताई मिलों के चलते राज्य का एक औद्योगिक जिला बन चुका है। सुंदरगढ़ जिले की वर्तमान समय में कुल जनसंख्या 23,50,000 की है। ओडिशा का सातवां सबसे बड़ा जिला जाजपुर जिला है, जिसके अंतर्गत वर्तमान में कुल 20,51,000 की आबादी निवास करती है। प्राचीन काल में केशरी राजवंश की राजधानी रहा जाजपुर। इस जिले का मुख्य आकर्षण देवी दुर्गा को समर्पित बिराजा मंदिर है। केंदुझार जिला राज्य में आठवें पायदान पर आता है अपनी जनसंख्या के आधार पर। केंदुझार जिला, जो लौह अयस्क खनिज से भरपूर है, जहां प्रचुर मात्रा में मैग्नीज और क्रोमोमाइट जैसे खनिज उपलब्ध है। ओडिशा में मैग्नीज उत्पादन का लगभग 80% आपूर्ति केंदुझार जिले से ही होता है। केंदुझार जिले के अंतर्गत वर्तमान में कुल 20,22,000 की जनसंख्या निवास करती है। पुरी जिला इस राज्य का नौवां सबसे बड़ा जिला है। पुरी उड़ीसा का वह जिला है जो हिंदुओं के चार धामों में से एक है। पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर देश की आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। दोस्तों, कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखेगा। पुरी जिले की इस समय कुल जनसंख्या 19,07,000 की है। बलांगीर जिला ओडिशा का दसवां सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। यह जिला ओडिशा में अपनी सांस्कृतिक विरासत और बेहतरीन पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। हाल के समय बलांगीर जिले की कुल जनसंख्या 18,50,000 है। अंगुल जिला इस राज्य का 11वां सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। ओडिशा की औद्योगिक राजधानी का दर्जा प्राप्त अंगुल, जिसे अनुगुल भी कहा जाता है, इस जिले के अंतर्गत नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और तालचर थर्मल पावर स्टेशन जैसे विभिन्न कारखाने मौजूद है। ओडिशा के इस अंगुल जिले के अंतर्गत कुल 17,71,000 की जनसंख्या निवास करती है।
ओडिशा के सबसे बड़े जिलों की सूची में 12वें पायदान पर आता है कालाहांडी जिला। यह दक्षिण एशिया का वह क्षेत्र है जहां सबसे पहले धान की खेती की गई थी। वहीं इस समय कालाहांडी जिले की कुल जनसंख्या 17,70,000 की है। भद्रक जिला इस राज्य का 13वां सबसे बड़ा जिला है। मां भद्रकाली का मंदिर जो सालंदी नदी के तट पर स्थित है, इन्हीं के नाम पर इस जिले का नाम भद्रक पड़ा। दोस्तों कमेंट में जय मां भद्रकाली जरूर लिखिएगा। हाल के समय भद्रक जिले की कुल जनसंख्या 16,91,000 है। ओडिशा का बारगढ़ जिला राज्य में 14वां सबसे बड़ा जिला है। ओडिशा की भाटाहांडी कहा जाने वाला बारगढ़ जिला, जहां प्रतिवर्ष लगभग 6,00,000 मैट्रिक टन धान का उत्पादन होता है। वर्तमान समय में इस जिले की कुल जनसंख्या 16,62,000 की है। केंद्रपाड़ा जिला राज्य का 15वां सबसे अधिक आबादी वाला जिला है, जिसके अंतर्गत कुल 16,17,000 की जनसंख्या निवास करती है। केंद्रपाड़ा जिला जो अपनी चरखा मिलों के लिए प्रसिद्ध है, इसे राज्य के तुलसी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। कोरापुट जिला उड़ीसा का 16वां सबसे बड़ा जिला है। कोरापुट जिला राज्य का एक पर्यटन स्थल भी है, जो देवमाली पर्वत श्रृंखला, घने जंगल, कई पुराने मंदिर और विभिन्न झरनों से घिरा हुआ है। कोरापुट जिले के अंतर्गत हाल में कुल 15,48,000 की जनसंख्या निवास करती है। ओडिशा का 17वां जिला है नवरंगपुर जिला। मां भंडार घरानी जो नवरंगपुर जिले की इष्ट देवी है, जिन्हें धन और जीवन के रक्षक का प्रतीक माना जाता है, जिनकी विशेष पूजा मंगलवार और शनिवार को की जाती है। ओडिशा के इस नवरंगपुर जिले की वर्तमान समय में कुल जनसंख्या 13,70,000 है। ढेंकनाल जिला इस राज्य का 18वां सबसे बड़ा जिला है। इमारती लकड़ी, चावल, तिलहन और लौह खनिज अयस्क से भरपूर ढेंकनाल जिला, जहां पश्चिम से पूर्व की दिशा में ब्रह्मणी नदी बहती है। ढेंकनाल जिले के अंतर्गत वर्तमान में कुल 13,39,000 की आबादी निवास करती है। ओडिशा में जगत सिंहपुर जिला जनसंख्या के आधार पर 19वें पायदान पर आता है, जिसकी वर्तमान जनसंख्या 12,22,000 है। 1 अप्रैल 1993 को कटक जिले से विभाजित कर जगत सिंहपुर जिले का निर्माण किया गया, जहां मूल रूप से पारादीप बंदरगाह, तेल रिफाइनरी और उर्वरक कारखाना मौजूद है। ओडिशा का लोकप्रिय संबलपुर जिला इस सूची में 20वें पायदान पर आता है, जिसमें संबलपुर जिले की कुल जनसंख्या 16,68,000 है। महानदी संबलपुर जिले से होकर गुजरती है। वही यह जिला संबलपुरिया साड़ियों के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। मुख्य रूप से इस जिले का नाम समलेश्वरी देवी के नाम पर रखा गया था, इसलिए दोस्तों कमेंट में जय मां समलेश्वरी जरूर लिखिएगा। रायगढ़ जिला ओडिशा का जनसंख्या के दृष्टिकोण में 21वां सबसे बड़ा जिला है। रायगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाला श्री पातालेश्वर शिव मंदिर, जहां 99,99,999 शिवलिंग है, यह मंदिर ओडिशा में एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। रायगढ़ जिले के अंतर्गत वर्तमान में कुल 10,86,000 की आबादी निवास करती है। ओडिशा का नयागढ़ जिला इस लिस्ट में 22वां स्थान प्राप्त करता है, जिसका लगभग 40% हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है। नयागढ़ जिले की इस समय कुल जनसंख्या 10,81,000 की है। राज्य में कंधमाल जिला 23वां जिला है। कंधमाल जिले का प्रशासनिक मुख्यालय फूलबाणी शहर में स्थित है। यह जिला अपनी हस्तशिल्प के लिए भी प्रसिद्ध है। वही इस जिले की वर्तमान में कुल जनसंख्या 8,23,000 है। मलकानगिरी जिला ओडिशा का 24वां सबसे बड़ा जिला है। वर्तमान में ओडिशा का सबसे अधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्र मलकानगिरी, जो देश में रेड कॉरिडोर का हिस्सा भी है, इस जिले के अंतर्गत वर्तमान में कुल 6,88,000 की आबादी निवास करती है। ओडिशा का नुआपाड़ा जिला जनसंख्या के आधार पर 25वें पायदान पर आता है। ओडिशा के कुछ अविकसित जिलों में से एक नुआपाड़ा जिला, जो छत्तीसगढ़ राज्य के साथ ओडिशा की पश्चिमी सीमा साझा करता है। इस जिले की वर्तमान समय में कुल जनसंख्या 6,86,000 की है। सुवर्णपुर जिला 26वां सबसे अधिक आबादी वाला जिला है ओडिशा राज्य का। वास्तुशिल्प महत्व और तांत्रिकता वाले मंदिर के चलते सुवर्णपुर को भारत का दूसरा वाराणसी, तो वही महानदी और तेल नदी के संगम के चलते इसे भारत का दूसरा प्रयागराज भी कहते हैं। वही सुवर्णपुर को सोनपुर के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में सोनपुर जिले की कुल जनसंख्या 6,85,000 है।
उड़ीसा का सुप्रसिद्ध झारसुगड़ा जिला इस सूची में 27वें पायदान पर आता है। उड़ीसा का एक औद्योगिक जिला झारसुगड़ा, जिसके आसपास के विद्युत संयंत्रों के चलते इसे उड़ीसा का पावर हाउस कहा जाता है। अपनी भाषा और संस्कृति के चलते लघु भारत कहा जाने वाला झारसुगड़ा जिला, जिसके अंतर्गत वर्तमान में 6,51,000 की आबादी निवास करती है। राज्य का गजपति जिला 28वां सबसे बड़ा जिला है। 1992 को गंजम जिले से विभाजित कर गजपति जिले का निर्माण किया गया था, जिसका प्रशासनिक मुख्यालय पारला खेमुंदी शहर में स्थित है। इस जिले की वर्तमान जनसंख्या 6,50,000 है। बौद्ध जिला उड़ीसा का 29वां जिला है अपनी जनसंख्या के आधार पर। इस जिले का प्रशासनिक मुख्यालय बौद्धगढ़ शहर में स्थित है। बौद्ध जिले के अंतर्गत कुल 4,95,000 की जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या में उड़ीसा का 30वां या सबसे छोटा जिला है देवगढ़ जिला, जिसकी वर्तमान समय में कुल जनसंख्या 3,56,000 की है। उड़ीसा के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित देवगढ़ जिला, जिसे देवागढ़ भी कहा जाता है, संबलपुर जिले से विभाजित कर 1 जनवरी 1994 को इस जिले का निर्माण किया गया था। तो दोस्तों, ये थे उड़ीसा राज्य के 30 सभी जिले, वर्तमान जनसंख्या और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। वैसे आप कौन से शहर से हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, अपने शहर का नाम कॉमेंट में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। मिलते आपसे जल्द ही किसी दूसरे वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।